Assalamu alaikum, dear student. How are you all? I hope you all are fine and doing well. I am Sayyid Arbaaf Fatima. We are doing unit number 16, Theorems Related with Area Grade 9th. Today we are going to prove the further questions of exercise 16.1. So let's move towards the light board. Exercise 16.1, question number 2 is in a parallelogram A, B, C, D. मयर ए बी बेसिकली इज़ द लाइन सेगमेंट एंड विच लेंथ इज 10 सेंटीमीटर द ऑल्टीट्यूड कॉरस्पोंडिंग टू द साइड्स ए बी एंड ए बी एंड ए डी आर रिस्पेक्टिवली 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर फाइंड ए डी ओके अब हम फिगर में देखते हैं देखते हैं मैं क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें फिगर में एक पैरालोग्राम गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरालोग्राम और जो ए बी की जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है टेन सेंटीमीटर है ओके okay, ये एक चीज़ गिवन है उसके बाद और क्या हमें गिवन है द ऑल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द साइड ऑफ ए बी एंड ए डी ए बी और ए डी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे ऑल्टीट्यूड्स होंगे उनकी लेंथ भी गिवन है अब देखिए ए बी और ए डी के अकॉर्डिंगली हम अगर बात करें तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है ए है दोनों में अगर ए कॉमन है इसका मतलब ये है कि ए के साथ कनेक्ट है डी और ए के साथ कनेक्ट है बी तो हमने क्या करना है ए तो ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया हुआ है तो जो अब डी और बी है डी वर्टेक्स से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और बी वर्टेक्स से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है हम ऑल्टीच्यूड की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ के आए हैं ट्राएंगल के रिस्पेक्ट से भी ट्राइंगल में हम किसी भी एक वर्टेक्स से हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर लाइन जो कि कट करें ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलरली का मतलब ये है कि 90 डिग्री का एंगल बनाए बिल्कुल स्ट्रेट हो तो हम उसे क्या कहते हैं है, हम ऑल्टीट्यूड है ट्राइंगल का लेकिन हम यहाँ बात करें ऑल्टीट्यूड ऑफ अ पैर तो उसके अकॉर्डिंगली हमने दो ऑल्टीच्यूड्स कर दी हैं ड्रॉ और इनकी लेंथ जो है वो हमें गिवन थी ड्रॉ हमने करके देखे इसलिए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए और इनकी वैल्यूज जो है सेवन और एट सेंटीमीटर हमें पहले से ही गिवन है हमने यहाँ फाइंड क्या करना है फाइंड हमने करना है ए डी लाइन सेगमेंट की लेंथ की लेंथ हमने फाइंड करनी है तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट अगर सेम हम बात कर रहे हैं पैरालेलोग्राम की तो अगर सेम पेरेलोग्राम की बात कर रहे हैं तो हम जितने भी उसके ऑल्टीट्यूड्स लेंगे सेम पेरालोग्राम की वो क्या होंगे इक्वल होंगे तो अगर ऑल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे तो मैं अगर एक आ, ये राइट कर दूँ या उसकी जगह ये राइट कर दूं तो फर्क नहीं पड़ता बेसिकली कहना क्या कह चाह रही हूँ अगर मैंने इसको फाइंड करना है एरिया मतलब अगर मैं ये ऑल्टीट्यूड रख के एरिया फाइंड करूँ वो भी सेम होगा पैलेलो का अगर मैं ये ऑल्टीट्यूड रख के एरिया फाइंड करूँ वो भी सेम होगा पैलेलो का तो इस चीज़ इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना और इसी को हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अप्लाई तो मैं मैंशन कर देती हूँ कि हमें गिवन क्या है गिवन है पैरलो ए बी सी डी ए बी सी डी इज आ ग्राम ओके okay. उसके बाद हमें और क्या गिवन है ए बी इक्वल्स टू टेन सेंटीमीटर द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द दरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए बी एंड ए बी एंड ए डी ए बी और ए डी की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उनकी लेंथ क्या है सेवन सेंटीमीटर एंड एट सेंटीमीटर अब यहाँ पे हमने देखते जो गिवन था अब देखना हमने ये है कि हमने फाइंड क्या करना था ऑब्वियसली हम यहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं तो हम मेंशन कर देंगे कि हमने क्या करना है यहाँ पर फाइंड टू फाइंड जो हमने चीज स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड करनी है उसको हम कर देंगे यहाँ पर मेंशन बट वी हैव हैव टू टू फाइंड फाइंड वी है ए डी लिख है हम ए डी भी लिख सकते हैं बट ऑब्वियसली अगर हम उसकी कोई ना कोई न्यूमेिकल वैल्यू ही फाइंड करेंगे उसके बाद अब स्टूडेंट हम क्या करने जा रहे हैं हम बात करते हैं हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने एक ड्रॉ किया है पैरालोग्राम मेक सी एबीसीडी हमने क्या लिया एक पैरालोग्राम ले लिया ए बी सी डी और एंड शो द गिवन टी चूड ऑफ ए बी एंड ए डी ऑफ देंथ सेवन सेंटीमीटर एंड एट सेंटीमीटर ओके ये हमने कंस्ट्रक्शन अपनी कर ली है कंप्लीट उसके बाद हमने क्या किया है उसके बाद अब हम बात करने लगे कि हमको किस तरीके से ले बेसिकली करेंगे प्रूफ तो उसकी तरफ मूव करते हैं प्रूफ में स्टेटमेंट्स रीजन अब स्टेटमेंट और रीजन्स के बात करेंगे एरिया पैरेललोग्राम पैलेलोग्राम यहाँ पर करेंगे जो उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी यहाँ पे कर देंगे मेंशन बेस इनटू हाइट अब देखें स्टूडेंट बेसिकली हम हाइट ऑल्टीट्यूड ले रहे हैं बेस इनटू ऑल्टीट्यूड होता है तो uh, हम देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑल्टीट्यूड है पहले ये रख के अपना एरिया देखेंगे क्या आता है फिर हम देखेंगे ये रख के हमारे पास एरिया क्या आता है लेकिन दोनों दफ़ा दो हम, बात, दोनों दो हम, बात, uh, हम बात कर रहे होंगे अपने किसकी दोनों दफ़ा हम बात करेंगे पैलैलोग्राम सेम की अब देखें अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम ये ले, ले लेंगे और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम बेस ये ले लेंगे तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पर करने जा रही हूँ राइट right? तो हम आ, हमें गिवन क्या है हमें ए बी की लेंथ स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है जो कि क्या है टेन सेंटीमीटर तो मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ मैंशन तो आ जाएगा ए बी इंटू ऑल्टीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास डी ई रीज़न बेसिकली मैं इसको यहाँ पर मैंशन कर देती हूँ स्टूडेंट्स द एरिया ऑफ पैलोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू ऑल्टीच्यूड सो यह हम बेस इनटू हाइट भी करते हैं ऑल्टीट्यूड बेसिकली हाइट को ही कर रहा है प्रेजेंट ओके एक ये चीज़ आ गई हमारे पास हम यहाँ पे कर देंगे वैल्यू इसको पुट ए एट मल्टीप्लाई बाई सेवन इट बिकम सेवेंटी सेंटीमीटर्स ओके उसके बाद अब हम ए सेम एरिया ऑफ पैरालोग्राम में पैरालोग्राम सेम रखेंगे सिर्फ बेस और वो चेंज कर देंगे अब हमारे पास बेस आ जाएगी मैर ए डी मल्टीप्लाई बाय अब आ जाएगा बी एफ तो यहाँ पे भी सेम रीज़न आ जाएगा स्टूडेंट जो कि हमने यहाँ पे किया था मेंशन अब ए डी तो मैंने करना है फाइंड और यहाँ पे बी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी एट सेंटीमीटर्स अब मैं अगर से कह दूँ वन और इससे कह दूँ टू ओके अब हम इन दोनों को यूज़ करते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो मु वट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हेर ए डी इन टू एट मैं अभी यूनिट नहीं रही ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो सेवेंटी उसके बाद हम इसको फर्दर कर लेंगे सॉल्व सेवेंटी अपॉन एट अब क्योंकि हम एक दफ़ा करने लगे हैं तो मैं एक दफ़ा लिखने लगी उसका यूनिट इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आंसर आपको मिल जाएगा एट होल थ्री बाय फोर वैसे आएगा ये हमने लिख लिया फ्रैक्शन में आपको ऑब्वियसली इसमें आएगा पॉइंट्स में भी आप इसको लिख सकते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमने यही फाइंड करनी थी वैल्यूज एंड दैट्स इट क्वेश्चन नंबर थ्री इज इफ टू पैरेललोग्राम्स ऑफ इक्वल एरिया हैव द सेम और इक्वल इक्वल बेसिस देयर ऑल्टीट्यूड्स आर अब हमें क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं हम बात कर रहे हैं दो पैरेललोग्राम्स की जिनका एरिया क्या है इक्वल है और क्या चीज वहां पे इक्वल या सेम है वो है बेसिस इसका मतलब है अगर मैं पैलालोग्राम ये लूं जो कि मैंने ड्रॉ किया है और ये पैलालोग्राम लूं इन दोनों की बेसिस के बेसिस क्या इक्वल भी हैं ये हमने यहाँ पे कर दिया है मेंशन ओके और हमें ये गिवन भी थी और हमने हमें ये एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसका अगर मैं देखूँ एरिया वो इक्वल होगा इस एरिया के इसका एरिया और इसका एरिया क्या है इक्वल है ये भी गिवन है ये गिवन था कि दोनों आपस में क्या है सेम है और इनका एरिया भी क्या है गिवन है हमने क्या प्रूफ करना है हमने प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास है ऑल्टीच्यूड हैं ये भी क्या है स्टूडेंट ये भी हैं आपस में इक्वल इस चीज को हम यहाँ पे करने जा रहे हैं प्रूफ सबसे पहले राइट कर देते हैं गिवन गिवन में क्या आ जाएगा टू पैरालोग्राम्स टू पैरालोग्राम्स अब जो हमारे पास दो पहले लोग ग्राम है उनमें क्या चीज सेम है हैव सेम और इक्वल बेसिस एंड इक्वल एरिया ये मेन चीज है कि हमारे पास एरिया जो है वो क्या है इक्वल है ये हमारे पास गिवन अब हम हाँ मेंशन कर देते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है टू प्रूव बट वी हैव टू प्रूव ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल वी हैव टू प्रूव द दीच्यूड्स आर इक्वल हमें यही चीज करनी है प्रूव यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर देते हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है कंस्ट्रक्शन में हमने किए हैं दो पैरेलोग्राम्स को ड्रॉ मेक पैरेलोग्राम्स कौन कौन से किए हैं ई एफ जी एच एंड ए बी सी डी और उसके बाद हमने जो लिए हैं उनके ऑल्टीच्यूड लिए हैं वो उन कर देंगे मेंशन। एच एम इज परपेंडिकुलर ओवर ई एफ एंड डी एल परपेंडिकुलर ओवर ए बी द

रीजंस सबसे पहले जो मैं बात करने लगी हूँ हमें गिवन है कि दोनों जो पैरालोग्राम है उनका एरिया क्या है इक्वल है तो उसी को मैं यूज करने लगी हूँ एरिया ऑफ पैरेलोग्राम ई एफ जी एच इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेलोग्राम ए बी सी डी और ये क्या था हमें ये हमें था गिवन और हम राइट कर देते हैं कि एरिया ऑफ पैलेलोग्राम होता है क्या दोनों साइड पे हम बेस इन टू ऑल्टीट्यूड होता है एरिया ऑफ पैलेलोग्राम तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास आ गया ई एफ मल्टीप्लाई बाय ई एफ मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स ए बी मल्टीप्लाई बाय डी एल ओके अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम रीज़न uh, में इसका फॉर्मूला मेंशन कर देंगे एरिया ऑफ बैरलोग्राम क्या होता है बेस इनटू ऑल्टीट्यूड ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आ गया उसके बाद हमें एक चीज़ गिवन है बट वन थिंग इज ऑलरेडी गिवन टू अस दैट E F is congruent to अच्छा हम यहाँ पे इक्वालिटी की ही बात कर लेते हैं मैयर e F equals to मैर A B तो मैं यहाँ पर भी इसी तरीके से कर देती हूँ मैंशन लाइक दिस अब हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि दोनों क्या हैं दोनों के दोनों हैं सेम किस तरह क्योंकि हमने बताया था कि इक्वल एंड द सेम बेस यहाँ पर भी मैं राइट कर दूँगी ये गिवन था मैं दिस इज ऑलरेडी गिवन टू आस दैट ई एफ इज इक्वल टू ए बी तो मैं क्या करूँगी अब देखे स्टूडेंट ई एफ की जगह ए बी लिख दूँ या ए बी की जगह ई एफ लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली होगा क्या इसकी जगह ए बी पुट कर दूँगी तो ए बी कैंसल हो जाए हो जाएगा अगर ए बी की जगह ई एफ पुट कर दूँगी तो ई एफ कैंसल हो जाएगा तो बस मैं यही करने जा रही हूँ ई एफ मल्टीप्लाई बै मयर ए एच एम ई एफ ए बी की जगह भी मैंने ई एफ राइट कर दिया दिस वन अब देखें ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई वहां जाके हो जाएगा डिवाइड और दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली हैं मयर और ऑब्वियसली अगर मैं मैय में, में लिखूंगी ऐसे और अगर मैं कॉन्ग्रेंट में लिखूंगी तो क्या आ जाएगा uh, हमारे पास आ जाएगा एच एम कॉन्ग्रेन टू डी एल लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था इक्वल प्रूफ करना था तो हम ये वाला ही यूज़ करेंगे दैट्स इट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग जो कि हमें पूछी गई थी वो हमने कर दी है चीज़ प्रूफ के दोनों के दोनों ऑल्टीट्यूड्स क्या हैं दोनों के दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं हमारे पास इक्वल आज जो हमने दो क्वेश्चंस को किया है प्रूफ उसमें हमने अपने ऑल्टीट्यूड वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चले हैं कि अगर हमारे पास एक पैरालेलोग्राम है तो हम उसके अगर डिफरेंट वर्टस के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करते हैं डिफरेंट ऑल्टीट्यूड लेकिन उन सब का एरिया जो होगा वो क्या होगा सेम होगा इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने जो रिक्वायर्ड लेंथ थी या जो रिक्वायर्ड हमें स्टेटमेंट थी उसको हमने किया है प्रूफ आई होप वो आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा सी ऑन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़